नमस्कार आप सभी को। मैं अक्षय निर्माण पाउंडर वास्तविक। आज हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 6 के बारे में। बृहस्पति खाना नंबर 6 में बोला है मुफ्त खोर। मुफ्त खोर यानी मुफ्त का लेने वाला या मुफ्त की चीजों का व्यापारी या मुफ्त की चीजों को यूज करने वाला साधु स्वभाव का व्यक्ति होगा। मुफ्त खोर साधु भी लिखा है। राहु के अनुसार चलेगा। खाना नंबर 6 जो है वो राहु के अनुसार चलता है। खाना नंबर 6 का रिजल्ट राहु के हुक्म पर चलता है। ग्रामर का रूल है, आप खाना नंबर 6 जब पढ़ेंगे जब आपको पता चल जाएगा। गुरु छे शनि अच्छा तो वैरागी होगा। वैरागी यानी साधु टाइप का नेचर का होगा। गुरु छे सूर्य अच्छा तो लालची वह दुनिया भी यानी सब चीज ऐसे नेटिव को चाहिए, लग्जरी के पीछे भागेगा। गुरु छे हो तो जन्म जन्म स्थान जब तक नहीं छोड़ेगा कामयाब नहीं होगा। गुरु छे वाले को मैं हमेशा कहता हूँ कि जहां आप रह रहे हैं, जन्म स्थान जहां पैदा हुए हैं या पिता का घर, उसको छोड़ देना चाहिए और खुद धन के पीछे जाना चाहिए और कमाना चाहिए। गुरु छे शनि जैसा होता है। कंक्लूजन राहु के अनुसार निकलता है। अगर शनि अच्छा होगा तो जुपिटर छे भी गुड होगा। गुरु छे पिता दादा की बहुत इज्जत होगी। कर्जा आसानी से मिल जाता है। गुरु छे के वक्त 2, 5, 9, 11, 12 के घर अगर अच्छे हैं यानी उसके मित्र बैठे हैं तो अच्छा कंडीशन बन जाएगी। गुरु अच्छा रिजल्ट देगा यानी गुरु फाइनेंस बन जाएगा, चंद्र बन जाएगा और चंद्र अच्छा यानी फाइनेंस अच्छा। गुरु छे अपने बुजुर्गों के नाम पर लोगों को खिलाता जाए, भंडारा करता जाए, लोगों को खिलाए खिलाता रहे तो फाइनेंस और पैसा दोनों अच्छे बढ़ते जाएंगे। गुरु छे अकेला हो तो चाल चलन भी नेक हो सकती है अगर बुध अच्छा है तो। अगर गुरु छे है और चाल चलन नेक रखे तो केतु और बुध दोनों ही ऐसी कंडीशन में अच्छे हो जाते हैं। गुरु छे में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। गुरु छे को बोला क्या है। गुरु छे को बोला पाताल, कुआं, धरातल, तालाब। बृहस्पति किस्मत होता है यानी किस्मत कुएं में गिरेगी। आप सभी जानते हैं खाना नंबर 6 क्या है। पाताल भी बोला है तो जो आपकी किस्मत है वो कुएं में गिर गई। जुपिटर यहाँ मंदा और अपने दुश्मन बुध के घर में। जुपिटर यहाँ मंदा हो जाता है और अपने दुश्मन बुध के घर में हो जाता है। जुपिटर यहाँ मंदा और अपने दुश्मन बुध के घर में होता है। नेटिव मुफ्त खोर होगा, मीन्स रोटी हमेशा ऐसे आदमी को आसानी से मिल जाती है। यानी ऐसे नेटिव का जो जन्म होता है वह ऐसे परिवार में होगा जहां आसानी से इसको रोटी मिल जाएगी। दुनिया की हर चीज ऐसे नेटिव को मिलता है, आराम मिलता है, मगर माया दौलत तो ढूंढनी पड़ेगी। अब इसका मतलब घर से दूर जाए और पैसे को ढूंढे और कमाए। सिक्स घर ननिहाल का भी होता है यानी मामा और भतीजे के जैसे हालात होंगे या भांजे के जैसे हालात होगी वैसे ही किस्मत होगी। बुजुर्गों के नाम पर पैसा आसानी से मिल जाएगा, मतलब कर्जा। अगर बुजुर्गों का नाम होगा, अगर ऐसे नेटिव को बुजुर्गों के नाम से बहुत पैसा मिल जाता है, कर्जा मिल जाता है। इज्जत आबरू का मालिक पंडित जी ने लिखा है, सोने के ढेर पर बैठा हुआ, मगर माया तो ढूंढनी पड़ेगी। फिर वही बात आती है, माया तो ढूंढनी पड़ेगी का मतलब है कि ऐसे नेटिव को जो पैसा है वो कमाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि 2, 5, 9, 11, 12 दुश्मन में दुश्मन ग्रह हो, 2, 5, 9, 11, 12 में अगर दुश्मन ग्रह हो तो धन की स्थिति डामाडोल होगी। अब बृहस्पति के पक्के घर कौन कौन से हैं। 2, 5, 9, 11 और 12 दीज आर बृहस्पति के पक्के घर। तो अगर ये खराब है, अगर इनमें दुश्मन प्लेनेट बैठे यानी बृहस्पति की जड़ें खराब है तो ऐसी कंडीशन में करोड़पति बनने में दिक्कत होगी, पैसा कमाने में दिक्कत होगी, करोड़पति नहीं बन पाएगा। अगर ये अच्छे हैं तो करोड़पति बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। छोटी उम्र में पिता के जाने के बाद जिंदगी साधारण हो जाएगी। अगर जुपिटर 6 वाले की पिता बचपन में चला गया तो जिंदगी हमेशा साधारण रहती है यानी नॉर्मल जिंदगी जीता है, कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। शनि मंदे घर में होगा तो पिता का साथ ज्यादा समय नहीं मिलता। अब शनि मंदा कौन कौन से हाउसेज में होता है। 1, 4, 5, 6 खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6। शनि अच्छे घर में हो तो पिता का साथ मिले। शनि के अच्छे घर कौन कौन से होते हैं। 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12 खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12। काल किताब में कुछ हाउसेज को जनरली अच्छा बोला है तो उन हाउसेज को आप पढ़ सकते हैं। तो उन हाउसेज के हिसाब से अगर शनि अच्छे घर में है तो ऐसी कंडीशन में पिता का साथ क्या होता है, पैसा मिलता रहता है और पिता का साथ भी मिलता रहता है। बृहस्पति 6 में और चंद्रमा कुंडली में कहीं भी होगा तो खाना नंबर 6 का चंद्र उसको मान के चलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो और चंद्र कुंडली में कहीं भी होगा तो खाना नंबर 6 को चंद्र खाना नंबर 6 के बृहस्पति को भी चंद्र ही मान के चलेंगे, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उससे देखी जाएगी। अब इसका बेसिक सा उपाय क्या है, बृहस्पति की चीजें। बृहस्पति की चीजें क्या क्या होती हैं। दाल, केसर, सोना, ये मंदिर में पहुंचाए। खाना नंबर 2 यानी 6-2 को भी कंबाइन हम मानते हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में 600 ग्राम आप पहुंचा सकते हैं, चने की दाल आप पहुंचा सकते हैं, केसर, सोना, ये सब चीजें आप खाना नंबर 2 में पहुंचा सकते हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट लाल किताब सीखना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है लाल किताब के कोर्स में, जो
ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद आप सभी का।